नमस्कार मेरे प्यारे व्यूवर्स, आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने चैनल हेल्दी इंडियन किचन में। आज मैं आप लोगों के साथ जो रेसिपी शेयर कर रही हूँ वो बहुत ही हेल्दी है। हेल्दी मीन्स बहुत ज्यादा बेनिफिट्स देती है आपको, आपकी रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत बेनिफिट्स हैं इसके। थंबनेल में जो आपने मैजिकल पाउडर का नाम सुना है, वो मैजिकल पाउडर कैसे बनता है और उसको आपको किचन में क्यों रखना चाहिए, क्या उसके बेनिफिट्स हैं आपकी हेल्थ के लिए, तो वो सारी बातें मैं आपको वीडियो में जरूर बताऊंगी। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। अगर आप अपनी हेल्थ से थोड़ा बहुत भी प्यार करते हैं तो एटलीस्ट आप इस वीडियो को जरूर देखेंगे और लास्ट तक देखेंगे, ताकि आपको हर एक बात का पता चले, हर एक ऐसे टॉपिक के बारे में आपको पता चले जिससे आपको बेनिफिट मिले, और साथ में इस मैजिकल पाउडर को कैसे बनाते हैं, उसको किस तरीके से लेना है, डोज कितनी होनी चाहिए और क्या है जिससे ये मैजिकल पाउडर बनता है, ये सारी बातें मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। तो चलिए रेसिपी शुरू कर लेते हैं। ये देखिए, मैं आप लोगों के साथ आज इंट्रोड्यूस कर रही हूँ अलसी को। इसको इंग्लिश में अगर हम बात करें तो इसको फ्लैक्स सीड इंग्लिश में बोला जाता है। बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होती है आपकी हेल्थ के लिए। इनको खाने का तरीका, इनको यूज करने का तरीका बहुत ही सिंपल है, लेकिन कुछ बातों का ध्यान आपने रखना होता है और ये आपको इतना फायदा करती है। सीरियसली मैं आपको बताऊं कि मुझे कितना ज्यादा फायदा किया। मुझे बालों की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही थी, स्किन से रिलेटेड बहुत प्रॉब्लम्स हो रही थी, पर कैल्शियम की बहुत ज्यादा कमी हो गई थी। तो मैंने सोचा कि कुछ ना कुछ ऐसा प्रोडक्ट यूज किया जाए डेली बेसिस पर, जिसके बेनिफिट्स भी हमें मिले और साथ में हम उसे डेली खाने में कंज्यूम कर सकें, अलग से कुछ तामझाम उसमें ना करना पड़े। तो सिंपल सी बात थी, मैं सबसे पहले मैंने रिसर्च किया और पता किया कि अलसी के बीज के फायदे क्या क्या हैं, उसको डोज कितनी लेनी चाहिए, कब लेना चाहिए, कैसे लेना चाहिए। तो ये सारी बातें मैं आप लोगों के साथ जरूर डिस्कस करूंगी। तो सबसे पहले 2 कटोरी मैंने ले लिए हैं अलसी के बीज। बहुत ही कम प्राइस में ये मिलते हैं और किसी भी ग्रोसरी स्टोर पर आपको ये बहुत आसानी से मिल जाते हैं। अगर नहीं मिलते हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दूंगी, आप ऑनलाइन भी इनको परचेज कर सकते हैं। इस तरीके से पहले देखकर आप इनको थोड़ा सा साफ कर लें, क्योंकि इनमें थोड़े बहुत इस तरीके से सफेद तुनके होते हैं, तो इनके निकाल कर आप बाहर कर दें और इसको अच्छे से साफ कर लें। ये देखिए इस तरीके के होते हैं, इनको बाहर कर दें और अच्छे से इनको साफ कर लें। ये देखिए मैंने इनको ऑलमोस्ट साफ कर लिया। अगर थोड़ा बहुत कुछ रह भी जाता है तो जब हम इनको हल्का सा रोस्ट करेंगे तब हम निकाल देंगे। तो इनके खाने के क्या क्या फायदे हैं आपकी लाइफ में, आपकी पूरी बॉडी के लिए कितने ज्यादा फायदेमंद है, ये सारी बातें मैं आप लोगों के साथ पूरी वीडियो में डिस्कस करूंगी। तो प्लीज वीडियो को स्किप ना करें, अगर आप इसको देख रहे हैं तो पूरा जरूर देखिए। तो सबसे पहले मैंने इनको साफ कर लिया है, अब हम इनको हल्का सा रोस्ट करेंगे। ये देखिए रोस्ट करने के लिए मैंने एक नॉनस्टिक पैन को गैस पर रख दिया है और गैस के फ्लेम को बिल्कुल धीमा रखा है। इनको रोस्ट करते हुए आपको इस बात का बिल्कुल ध्यान रखना है कि फ्लेम को आपने बहुत ही धीमे रखना है, हाई या मीडियम फ्लेम पर नहीं रखें, जितना हो सके उतने कम फ्लेम पर आप इनको भूनें, क्योंकि ये धीरे धीरे भूनते हैं। इनको भूनने के लिए लगभग 6 से 7 मिनट लग जाते हैं। और अब मैं डाल दूंगी इस नॉनस्टिक पैन में डायरेक्टली ऐसे ही ये अलसी के बीज को, कोई घी तेल या कुछ भी डालने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। इनको हमने ऐसे ही रोस्ट करना है और धीमी आंच पर हल्के हल्के हाथों से इस तरीके से मिक्स करते हुए हम इनको थोड़ी देर के लिए रोस्ट कर लेंगे। रोस्ट करते हुए मैं आपको कुछ बातें बता देती हूँ, कुछ हेल्थ बेनिफिट्स भी इसके बारे में मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहली बात तो इनको रोस्ट करने का, या फिर ये भुन गए हैं अच्छे से, ये कैसे पता चलेगा, तो इसके लिए सबसे बढ़िया पहचान होती है कि इनके अंदर से एक बहुत ही अच्छी आवाज आती है चटकने की। जब ये उस स्टेज पर पहुंच जाए तो आप गैस की फ्लेम को बंद कर दें, उससे ज्यादा आपको इनको नहीं भूनना है। तो इसको भूनते हुए मैं आपको कुछ बातें बता देती हूँ, बहुत ही जरूरी है। तो सबसे पहली बात कर लेते हैं अलसी के बीज की। अलसी का बीज जो है वो बहुत ही फायदेमंद होता है हेल्थ के लिए। इसको एक सुपर फूड भी कहा जाता है, कुछ लोग इसको मैजिकल बीज भी बोलते हैं, क्योंकि ये हर तरीके से, हर तरह से आपकी हेल्थ के लिए बहुत जरूरी होता है। वेट लॉस करने में बहुत ही हेल्प करता है। इसमें डाइट्री फाइबर भरपूर मात्रा में होता है, जिससे जल्दी आपको भूख नहीं लगती है, और जब भी आप इसे खा लेते हैं पूरे दिन में एक बार, तो आपको ऐसा लगता है कि आपका पेट भरा हुआ है, जल्दी से आपको भूख नहीं लगती है। और पेट के लिए ये इतना फायदेमंद होता है कि आपको कोई भी डाइजेस्टिव सिस्टम में कोई भी प्रॉब्लम हो तो उसको सॉल्व करने का बहुत जल्दी काम करता है, बहुत हेल्प करता है उसको ठीक करने में। साथ में आपके कैलोरीज को बर्न करने का काम भी करता है। इट मींस अगर आप वेट लॉस करना चाहते हैं तो ये बहुत ही फायदेमंद है आपके लिए। लेकिन ऐसा ना सोचें कि इसको खाने से वजन ही कम होता है, वो हेल्दी वे में वजन कम होता है, ऐसे नहीं कि बहुत ज्यादा वजन कम आपका हो जाएगा। अब मैं बात कर लेती हूँ कि अलसी के बीज के अंदर ऐसा क्या होता है जो हमारे हेल्थ को इतना ज्यादा इफेक्ट करता है। तो इसके अंदर सबसे ज्यादा होता है प्रोटीन, आयरन, जिंक, पोटेशियम, फॉस्फोरस, वाइटामिन ई, मैग्नीशियम, मैग्नीज, वाइटामिन बी कॉम्प्लेक्स, कैल्शियम, वाइटामिन सी, कॉपर, जिंक, एल्यूमिनियम फाइबर, कैरोटीन,
ये सारे तत्व इसमें पाए जाते हैं। तो अब आप सोचिए तो इसको सुपर फूड क्यों नहीं कहा जाएगा जब इसमें इतने सारे बेनिफिट्स हैं। तो अब हम इनको इसी तरीके से थोड़ा थोड़ा भून लेंगे। देखिए मैंने इनको लगभग 2 मिनट भून लिया है और अभी इसको थोड़ी सी देर अभी और भूनना है। इसके कुछ और फायदे भी मैं आपको बता देती हूँ। इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है जो हमारी जो बॉडी है उसको बहुत ही स्वस्थ बनाता है, और हेल्दी फैट भी इसके अंदर बहुत ज्यादा होता है जो आपको हर तरह की बीमारी से लड़ने की, बॉडी को बहुत अच्छी एनर्जी देने का काम करता है। अलसी से बालों की जो जड़ें होती हैं, जिनको प्रॉब्लम होती है कि बाल बहुत ज्यादा झड़ रहे हैं, हालांकि मुझे भी ये प्रॉब्लम हो रही थी, बहुत ज्यादा मेरे बाल झड़ रहे थे, तो जैसे बाल बहुत ज्यादा झड़ते हैं ना, तो इसमें बहुत हेल्प करता है क्योंकि ये बालों की जड़ों को मजबूत बनाता है जिससे आपके बाल बहुत कम झड़ते हैं। अलसी आपकी जो स्किन है उसके लिए भी बहुत ज्यादा फायदेमंद होता है क्योंकि इसका डेली बेसिस पर कंज्यूम करने से इसको इस झुर्रियां कम होती हैं, कील मुहासे कम होते हैं, साथ में आपके जितने भी एज इफेक्ट्स हैं उनको भी कम करने का ये काम करता है। अगर आपके शरीर में किसी तरह की खुजली है, सूजन है, तो उसको भी कम करने का काम करता है, और किसी भी तरह के दाग धब्बे अगर आपके फेस पर है तो उनको भी दूर करने का काम करता है। हार्मोन्स को बैलेंस करने का काम करता है। जिन लेडीज को पीरियड टाइम में प्रॉब्लम होती है, यानी कि मेंसेस के टाइम पर नहीं आते हैं, या बहुत ज्यादा ब्लीडिंग होती है, कम ब्लीडिंग होती है, कुछ भी इस तरह की प्रॉब्लम है, तो अगर आप अलसी कंज्यूम करना स्टार्ट कर देते हैं तो आपको इन सब चीजों से बहुत ज्यादा हेल्प मिल जाती है। और सबसे बड़ा जो कारण है वो ये है इसको खाने का कि ये कैंसर से भी बचाता है। इसके अंदर कुछ ऐसी चीजें हैं, कुछ ऐसे तत्व हैं जो हमारे शरीर को कैंसर से लड़ने के लिए मजबूत करते हैं, और जिनकी आंखों में कुछ प्रॉब्लम है, यानी कि आई से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, धुंधलापन है आंखों में, या फिर मोतियाबंद की प्रॉब्लम है, जैसे कुछ भी प्रॉब्लम है आई से रिलेटेड, तो आंखों के लिए भी ये बहुत ज्यादा फायदेमंद होता है। तो बताइए आप कितनी सारे इसके फायदे हैं और कितने सारे तत्व इसमें मौजूद हैं। तो ऐसी चीजों को तो हमें जरूर खाना चाहिए ना, और अपने बच्चों को, अपनी फैमिली मेंबर्स को, सबको आदत डालनी चाहिए कि इस तरह के हेल्दी फूड जितने भी होते हैं उनको जरूर खाएं। सिर्फ वही नहीं खाएं जो हमें टेस्ट में अच्छा लगता है, और अगर आप टेस्ट की बात करें तो इसका जो फ्लेवर है वो इतना ज्यादा नटी होता है कि अभी आप एक बीज निकाल करके इसको खाएंगे ना तो आपको सेम ऐसा लगेगा जैसे कि आप बादाम खा रहे हैं, और एक बार आपने खा लिया तो आपका फिर हाथ रुकने वाला नहीं है, आप इसको खाते ही रहेंगे। इतना ज्यादा टेस्टी ये होता है, ये नहीं कि कड़वा होता है या कोई अलग टेस्ट होता है इसका, बहुत ही बढ़िया इसका टेस्ट होता है और इसको खाना भी बहुत ज्यादा आसान है। तो चलिए ये सारी बातें तो मैंने कर ली इसके हेल्थ बेनिफिट्स की, इसके डोज के बारे में भी हम बात करेंगे कि इसको किस तरीके से लेना है। ये ऑलमोस्ट भून चुके हैं और मैं आपको आवाज सुना देती हूँ कि ये देखिए चटकना स्टार्ट हो गए हैं। ये देखिए कितनी बढ़िया इसके अंदर से आवाज आ रही है, ये देखिए तड़क भी रहे हैं, ये बिल्कुल साइन है कि ये ऑलमोस्ट भून चुके हैं। बस इससे ज्यादा आपको इसको नहीं भूनना है, तो गैस के फ्लेम को हम कर देंगे बंद और इनको थोड़ा सा ठंडा होने देंगे। ये देखिए मैंने इनको एक प्लेट में डाल दिया था और ये अच्छे से ठंडे हो गए हैं। इनका ठंडे होने का जरूर वेट करें क्योंकि गर्म आप इनको मिक्सी में नहीं पीस सकते हैं और ये अच्छे से ना ही पीसेंगे। तो ये बहुत ही बढ़िया तरीका है इनको बनाने का। इनको कभी भी कच्चे फॉर्म में ना खाएं, हमेशा रोस्ट करके ही खाएं, तब आपको ये किसी भी तरह की प्रॉब्लम नहीं करेंगे। तो अब हम थोड़े थोड़े से मिक्सी के जार में डाल करके हम हल्के हल्के राउंड्स लेकर के इसको पीस लेंगे। तो थोड़े से हम डाल लेते हैं मिक्सी के जार में। ये देखिए मिक्सी के जार में मैंने लगभग आधा मिक्सी का जार, ये छोटा वाला जार है, ये भर लिया है। आधा ऊपर तक आप उसको फिल ना करें नहीं तो ये अच्छे से पीस नहीं पाएंगे। तो आधा जार ही मैंने भरा है और इसको ढक्कन को लगा देंगे और हल्के हल्के राउंड्स लेकर के इसको पीस लेंगे। ये देखिए मैंने इनको पीस लिया है और अब मैं आपको चेक करा देती हूँ। ये देखिए इनको सिर्फ इतना ही आपने पीसना है, बिल्कुल बारीक, इसका किसी तरीके का पाउडर नहीं बनाना है, बस इतनी ही फॉर्म में आपको रखना है इसको। ये देखिए आप पास से देख सकते हैं, इतना ही मोटा इसको रखना है आपने। और इतनी अच्छी इसके अंदर से, जैसे ही मैंने मिक्सी का ये जार खोला है, इतनी अच्छी इसके अंदर से खुशबू आ रही है, ऐसा लग रहा है जैसे कि मैंने बादाम पीस लिए हैं। और अब इसको एक प्लेट में निकाल लेंगे और बाकी के जितने भी हमारे बीज रह गए हैं उनको भी इसी तरीके से पीस कर तैयार कर लेंगे। ये देखिए मैंने सारे बीज पीस कर तैयार कर लिए हैं और आप देख सकते हैं कि बहुत ही बढ़िया ये पीस करके तैयार हो गए हैं। और अब मैं बात कर लेती हूँ कि इसको लेना कैसे है। लेने का सही तरीका ये है कि आप कभी भी इसको डायरेक्ट फॉर्म में नहीं ले, हमेशा रोस्ट करके ले। और जब भी रोस्ट करके इस तरीके से पाउडर बना के इस फॉर्म में आप लेते हैं तो ये आपको नुकसान नहीं करते हैं क्योंकि इनका तासीर होता है गर्म। अगर इनको बहुत ज्यादा आप खा लेंगे या फिर कच्चे खा लेंगे तो कई बार आपके पेट में जलन या फिर किसी भी तरीके की कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम भी हो सकती है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स पेट से रिलेटेड हो सकती हैं अगर आप इनको बिना रोस्ट किए लेते हैं या फिर आप इनको बहुत ज्यादा खा लेते हैं। क्वांटिटी बहुत ज्यादा मायने रखती है। तो हमेशा आपको लेना है एक पर्सन के लिए 1 चम्मच भर के, काफी होता है एक दिन के लिए।
इतनी डोज उसके लिए इनफ है, इससे ज्यादा वो ना ले बिल्कुल भी। और इसको ले किस तरीके से सकते हैं, इसका तासीर गर्म होता है तो इसके साथ आप चिया सीड्स और ले सकते हैं। इनको खरीदने का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, नहीं तो ये किसी भी ग्रोसरी स्टोर पर आपको आसानी से मिल जाते हैं। ये देखिए बिल्कुल एकदम सिल्की फॉर्म में होते हैं और जैसे ही ये पानी के टच में या दूध के या किसी भी लिक्विड फॉर्म के टच में जाते हैं तो ये बिल्कुल जेली के फॉर्म में हो जाते हैं। इनका तासीर ठंडा होता है और अलसी के बीज का तासीर गर्म होता है, तो दोनों को मिक्स करके जब आप लेते हैं तो ये बहुत ज्यादा बेनिफिट्स देते हैं, क्योंकि जो चिया सीड्स हैं वो भी बहुत ज्यादा फायदेमंद होते हैं आपकी हेल्थ के लिए। जितने बेनिफिट्स आपको फ्लैक्स सीड के हैं उतने ही बेनिफिट चिया सीड्स के भी हैं। इसके लिए अगर आप लोग बोलेंगे तो मैं अलग से एक वीडियो बना के दूंगी आपको चिया सीड्स के बेनिफिट्स का, बहुत ज्यादा बेनिफिट्स है। लेकिन फिलहाल मैं बात कर रही हूँ फ्लैक्स सीड की, तो फ्लैक्स सीड लेने का सही तरीका यही है कि आप एक चम्मच भर के लें फ्लैक्स सीड पाउडर और एक चम्मच भर के ही आपने लेने हैं चिया सीड्स, दोनों को बराबर मात्रा में आपने लेना है। और आप इसको ले सकते हैं जैसे सुबह मॉर्निंग में आप शेक पीते हैं उसमें ले सकते हैं, अगर आप लस्सी या छाछ कुछ पीना पसंद करते हैं, दिन में किसी भी समय, इसकी कोई बाउंडेशन नहीं है कि आपको सुबह दोपहर शाम में लेना है, दिन में आप कभी भी किसी भी टाइम इसको ले सकते हैं। और साथ में आप इसको अगर किसी भी लिक्विड फॉर्म में यानी कि पानी में, लस्सी में, छाछ में, दूध में या शेक में अगर नहीं डालना चाहते हैं या फिर भूल जाते हैं, तो सबसे बढ़िया तरीका है कि आप इसको गेहूं के आटे की जिसकी हम रोटियां बनाते हैं उसमें भी आप इसको डाल सकते हैं। बस क्वांटिटी का बहुत ध्यान रखना है, जितने लोगों के लिए आप बना रहे हैं उसी हिसाब से आप इसकी मेजरमेंट कीजिएगा। एक चम्मच से ज्यादा एक पर्सन के लिए ठीक नहीं रहता है, तो सिर्फ एक चम्मच ही उसको दें, दोनों को मिलाकर देंगे तो पूरे बेनिफिट्स उनको मिलेंगे। मुझे इसने बहुत पर्सनली बहुत ज्यादा फायदा किया है, इसीलिए मैं ये रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। बहुत ज्यादा हेल्थ बेनिफिट्स हैं इसके, मेरी हेल्थ पर इसने बहुत ज्यादा अच्छा असर किया, इसीलिए मैंने ये रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर की है। क्योंकि मैं कभी भी वो रेसिपी या फिर वो कोई भी ऐसी मेडिसिन या कोई भी ऐसा घरेलू उपाय आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर सकती हूँ इसको मैंने खुद ट्राई ना किया हो। इसको मैं पिछले 3 महीने से ले रही हूँ और मुझे बहुत ज्यादा इसने बेनिफिट्स दिए। हाँ, हालांकि मैं आपको वही बता रही हूँ कि इसमें मैंने सिर्फ सिंगल इसको लिया फ्लैक्स सीड को, तो मुझे पेट में थोड़ी सी जलन महसूस हुई, लेकिन जब मैंने इसको चिया सीड्स के साथ लिया तो मुझे किसी तरह की कोई भी प्रॉब्लम इसने नहीं दी। मैं हमेशा आप लोगों के साथ ऐसी ही वीडियो शेयर करती हूँ जिसको मैंने पहले से अपने ऊपर उसको ट्राई किया होता है या यूज किया होता है, कुछ भी फेक या गलत मैं आप लोगों के साथ इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं करती हूँ, क्योंकि जिसके लिए मैं कन्फर्म नहीं हूँ मैं उसको आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि ये किसी भी बंदे की हेल्थ से रिलेटेड होता है तो आप उसके साथ कभी भी खिलवाड़ ना करें तो बेटर होता है। तो इसीलिए मैं हमेशा वही चीज आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ जो मैं खुद यूज करती हूँ, मेरी पूरी फैमिली इसको यूज करती है और बहुत ज्यादा बेनिफिट्स देती है। इसको लेने का तरीका मैंने आपको बता दिया आप किस तरीके से ले सकते हैं और कितना ले सकते हैं। अब इसको बात करते हैं कि इसको कितना स्टोर कर सकते हैं। इसको आप, मैंने ये लिया है 2 कटोरी भर के, लगभग 20 ग्राम्स के आसपास ये मेरे बीज थे और उनको मैंने पीस लिया है, ये तो काफी सारा हो गया है, तो ये 2 लोगों के लिए ऑलमोस्ट 1 महीने के लिए काफी होता है। तो आप इसको किसी भी एयर टाइट कंटेनर में भर करके रख सकते हैं। आप देख सकते हैं कि मैं इसको यूज कर रही हूँ और मेरे घर में ये ऑलरेडी है, तो 1 महीने से ज्यादा के आप इसको रोस्ट करके और पीस के ना रखें, 1 महीने तक के लिए रख सकते हैं या 2 महीने तक के लिए रख सकते हैं ज्यादा से ज्यादा, उससे ज्यादा आप इसको पीस के ना रखें, जब भी जरूरत हो तो उतने ही आप पीसें। और साथ में चिया सीड्स को भी इसी तरह के एयर टाइट कंटेनर में भर करके आप रख सकते हैं और इनको भी पीस कर किसी एयर टाइट कंटेनर में आप रख सकते हैं। 1 से 2 महीने तक कोई दिक्कत नहीं होती है, लेकिन उससे ज्यादा टाइम के लिए पीस कर ना रखें इसको, और इसको हमेशा अपने घर में जरूर स्टोर करके रखें। अगर वीडियो आपको अपने काम की लगी हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी, क्योंकि हेल्थ से रिलेटेड है, आई होप आपको जरूर पसंद आई होगी। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, अपने सजेस्टेड कमेंट्स मुझे जरूर दीजिएगा अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, बाय बाय।